दीगर शहरों में कामयाबी के बाद रिवाइव ब्यूटी सलोन ने जिला जेहलम के रिहायशियों के लिए मेकअप की दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी और माहिर स्टाफ के साथ अपनी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी इंटरनेशनल लेवल की हैं। इसके अलावा हमारा स्टाफ माशाल्लाह फुली मतलब सीखा हुआ है, सारा स्टाफ माशाल्लाह अच्छा स्टाफ है, माशाल्लाह प्रोफेशनल स्टाफ है। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और अब हम आपके शहर जेहलम में ब्रांच खोलने जा रहे हैं। तो उम्मीद है हमें अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें यहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। एक तो हम प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी देंगे, आपके सर्विस बहुत अच्छी देंगे। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली चौधरी फरक अल्ताफ, साबक उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद अलियास, डॉक्टर फजलुल हक फजली, सदर जेहलम प्रेस क्लब चौधरी आबद महमूद, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आमिर कियानी समेत मारूफ ब्यूटिशियंस और कारोबारी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी फरक अल्ताफ ने बतौर मेहमान खुसूसी फीता काटा और कारोबार की तरक्की के लिए दुआ मांगी। हमारे जेहलम में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और बड़ी खुशायन बात है कि इतनी अच्छा और मियारी इन्होंने ये सहूलत जो है वो फराहम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना मियार ये और जितना इक्विपमेंट अच्छा इन्होंने रखा है उसको बरकरार रखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें बहुत कामयाबी होगी। तकरीब के मेजबान मलक उस्मान समरियाल ने सैलून के आगाज पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा कि मैंने अपने मकसद में कामयाबी हासिल की है। मलक उस्मान समरियाल का कहना था कि आमदा दिनों में सैलून की बलाई मंजिल पे जिम की सहूलत फराहम की जाएगी। मिर्जा कफील बेग कैफी, वॉइस ऑफ जेहलम।